उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन होना है। इस शुभ कार्य के लिए 22 जनवरी 12:20 पर समय तय किया गया है। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के एक हफ्ते पहले से पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसको देखते हुए अयोध्या का द्वार कहे जाने वाले बाराबंकी में भी तैयारियां जोरों पर है, जिसको लेकर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लखनऊ से अयोध्या को जोड़ने वाले मार्ग के बीच बाराबंकी में इसकी तैयारी की जा रही है, जिसके चलते हाईवे पर पड़ने वाले स्कूल, कॉलेज, ढाबे व सड़क सभी का सौंदर्यकरण का कार्य जल्द कराया जाएगा, जिसे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि अयोध्या की ओर जाने वाले जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, उन सभी को जो जाने वाले जितने दर्शनार्थी हैं उनके दृष्टिगत सौंदर्यीकरण किया जाए, सभी सुविधाओं से उनको युक्त किया जाए। इसको लेकर जो सबसे प्रमुख मार्ग है, जो कि हमारे लखनऊ से अयोध्या से, लखनऊ को अयोध्या से जोड़ती है, वो हमारे बाराबंकी से होते हुए जाती है, इस मार्ग पे जितने भी हमारे साइनेजेस हैं उन सबको NHAI के माध्यम से हम लोग परिवर्तित करके जैसा बहुभाषीय साइनेज होना चाहिए उस तरीके का उसको कराया जाएगा। जितने भी शौचालय हैं जो हमारे पेट्रोल पंपों के अंतर्गत हों या फिर ढाबों पर हों, उन सभी को सही कराया जाएगा। सभी ढाबों की भी ब्रांडिंग कराई जाएगी, पेट्रोल पंप्स की ब्रांडिंग कराई जाएगी। हाईवे किनारे हमारे जितने कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस के जो बाउंड्री वॉल्स हैं उनको वॉल पेंटिंग कराया जाएगा। आने जाने में जितने भी हमारे दर्शनार्थी होंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए पुलिस व्यवस्था भी और सभी जो प्रसाधन उन सबको उपयुक्त तरीके से डेवलप कराया जाएगा। जी सर, आपने बताया कि आप तरह से बाराबंकी की जो मेन है, चाहे वो प्रचार महादेव, इसमें यहाँ से लखनऊ से अयोध्या के मध्य 3-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे जनपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। जैसे एक सतरिक किराहा है जहाँ से सतरिक के जाने का रास्ता है, वहाँ पे चौराहे को डेवलप किया जाएगा, और सप्तऋषि का जो आश्रम था जहाँ पे जिसकी एक पौराणिक जो है कहानी है, तो उसको भी हम लोग उस तरीके से डेवलप करेंगे ताकि जो है वो सप्तऋषि के आश्रम को भी हम लोग लोगों को आने जाने वाले लोगों को दिखा पाएं कि किस तरीके से उस समय शिक्षा दीक्षा हुआ। अभी आपने सतरिक का नाम लिया, उससे पहले एक बड़े चौराहा पड़ता है जहाँ पे अक्सर बहुत ही लंबा जाम लगता है जो कि नेशनल हाईवे पे जाता है। इसके लिए एक ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जो है वो लखनऊ स्तर पर ही इसकी एक बैठक हो रही है और उसको इस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा कि कहीं किसी जाम की स्थिति ना बने। ये भी है कि जो हमारा जो किसान पथ है वो पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट कर दिया जाता है ताकि जो ट्रकें हैं उनका डाइवर्जन आसानी से वो कंप्लीट हो पाएंगी, तो ये समस्या जो है जाम वाली पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी आने वाले 10 से 15 दिन में। इसके अलावा जो हमारे बाराबंकी में जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो अयोध्या की तरफ से आ रहे हैं, मैं लखनऊ की तरफ से आ रहा हूँ, उन दोनों जगहों पे एक एक चौराहे का विकास हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे जो जनपद से संबंधित जो महत्वपूर्ण हमारे पौराणिक स्थल हैं, वो महादेव का मंदिर हो या फिर पारिजात का वृक्ष हो या देवासा स्थल हो हमारा, तो इन सभी चीज़ों को वहाँ वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि बाराबंकी की प्रमुख चीज़ें क्या हैं और जो बाराबंकी का एंट्री पॉइंट है उसको भी डेजिग्नेट किया जाएगा।